वॉट हैपन टू देम आफ्टर यू पार्टेड वेज, जब आप उनसे अलग हो गए उसके बाद उनका क्या हुआ. ओके ये किसी भी रिलेशन के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप किसी लव रिलेशन के बारे में ही बात करें. कहीं भी इस रिलेशन को, इस रीडिंग को आप फिट कर सकते हैं. टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं. वॉट हैपन टू देम वैन यू पार्टेड वेज, जब आपने उनके साथ में रिलेशंस ख़त्म कर लिए, अलग हो गए आप उनसे, उसके बाद उस पर्सन का क्या हुआ. लेट्स चेक. दिस इज़ द इंडियन विजडम टैरो डेक डिज़ाइंड बाय माई सेल्फ, और आप इसको फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके मेरे ऑफिस नंबर से मंगवा सकते हैं. मेरा ऑफिस नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. We have 10 of cups. ये कैसे आया था, रिवर्स में आया था कि, हाँ नहीं सीधा आया था. What happened to them after you parted ways? बहुत सारे कार्ड से इतने नहीं ले सकते. What happened to them after you parted ways? Okay. ये रिवर्स में आया है. What happened to them after you parted ways? One more card, please. Bottom of the deck पर है the House of God card, which is the Tower card. Okay. So what happened to them after you parted ways? सबसे पहले bottom of the deck पर टावर कार्ड है. वैसे तो उनकी जो लाइफ थी आपके जाने के बाद अपसाइड डाउन हुई होगी, बहुत ही जोल्ट खाए होंगे, झटका लगा होगा उनको, अप्रत्याशित झटका उनको जरूर लगा होगा. आप ऐसे कैसे चले गए, सडन चेंज उनकी लाइफ में हो गया कि उन्होंने जो सोचा था उससे बहुत कुछ डिफरेंट हो गया उनके साथ में. ओके तो इट वॉज़ वेरी वेरी टफ फॉर देम उस चीज़ को, आपके साथ में उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आपने अलग कर लिया अपने आप को और आप चले गए हो, ये उनके लिए काफ़ी एक झटका था, बड़ा झटका था जिसके लिए वो रेडी नहीं थे. ओके हालांकि उन्होंने इस चीज़ को दिखाया नहीं होगा. यस उन्होंने दिखाया ऐसा होगा जैसे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत शांति के साथ, मतलब ऐसा उन्होंने दिखाया होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ठीक है इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, या फिर वो शायद कुछ नहीं बोले होंगे आपके इस डिसीजन पे, या मे बी आपने झगड़ा किया हो, या आपने जब अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया हो, इस बंदे ने आपको एक शब्द भी नहीं बोला होगा, चुपचाप शांति से बिना किसी इमोशन को दिखाए ये एकदम से उन्होंने आपकी तरफ से साइलेंट हो गए होंगे, और दिखाया ही होगा बाहर से कि दे आर नॉट लुकिंग अप टू यू, वो आपको नहीं देख रहे हैं, वो आपको अभी परस्यू नहीं कर रहे हैं. हालांकि स्टॉकिंग उनकी जारी रही काफ़ी लंबे समय तक, वो आपको स्टॉक करते रहे कि आपके नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. ओके तो लेकिन शांति से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ अपनी प्रेजेंस शो किए, चुपचाप, बिना अपना कोई इमोशन बताए, या बिना यस डेफिनेटली एक चीज़ हो सकती है इसमें, अगर आप उनके साथ में व्हाट्सएप पर कनेक्टेड थे तो उन्होंने अपने लास्ट सीन ऑनलाइन ये जो ब्लू टिक्स में करना, वो सब बंद कर दिया होगा. मतलब वो आपको कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आना बंद हो गई होगी, क्योंकि अगर वो आपका स्टेटस भी देख रहे हैं तो आपको नहीं पता चला होगा, क्योंकि उनके वो ब्लू टिक्स ऑफ होंगे, रीड रिसिप्ट बंद होगी. ठीक है, और वो खुद कब ऑनलाइन ऑफलाइन आ रहे हैं ये भी उन्होंने बताना बंद कर दिया, और आपका आप भी उनको नहीं पता लगा सकते, क्योंकि और आपने भी शायद बंद कर दिया हो, तो वो आपके लिए जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे कि एक दूसरे की अपडेट आप ले रहे हो ये चीज़, क्योंकि हम यहाँ बात उनकी कर रहे हैं, तो आप वो आपकी कोई अपडेट ले रहे हैं इसकी जानकारी आपको ना होने पाए, इस तरह की उन्होंने अपनी सोशल मीडिया सेटिंग्स चेंज करी हैं. ठीक है, बट डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग यू, डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग यू.
उनकी लाइफ में आपके एब्सेंस में कैसे अभी चीज़ों को ठीक किया जाए, वो बहुत समय तक केओस में रहे होंगे, समझ नहीं पाए होंगे कि अब इसको करा क्या जाए, इसका किया क्या जाए, ठीक है। और मे भी कुछ ने ये बोला होगा कि जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ, सरेंडर कर दिया होगा कि ओके व्हाट यू वांट मैं करने को तैयार, पर मेरे को लगता है तब भी आप नहीं माने। और कुछ ने इस कनेक्शन को, आपके जाने के इस डिसीजन को भगवान पे सरेंडर कर दिया होगा कि अब ये भगवान जाने, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल सरेंडर मोड में आ गए, जैसे ही आपने जाने की बात करी ये पर्सन टोटल सरेंडर मोड में आ गया कि ठीक है क्योंकि अब इसमें मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आपने उनको छोड़कर जाने का फैसला ले लिया है, आपने इस फ्रेंडशिप या रिलेशन जो भी था इसमें आपने इसको ख़त्म करने का मतलब 100% फैसला ले लिया है, और अब आपसे और कुछ भी फायदा नहीं उठाया जा सकता। फायदा किसी भी तरह का कब हो सकता है, इस रिलेशनशिप में इनमें जितना नीचाई पर आना था, इस रिलेशनशिप का जितना डाउनफॉल होना था वो हो चुका है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे होंगे कि जिसकी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये रिलेशनशिप इस लेवल तक नीचा चला जाएगा, इस लेवल तक चीज़ें ख़राब हो जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, शायद आपने भी नहीं सोचा था, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि चाहे वो इस रिलेशन में कुछ भी कर रहे होंगे ना, एटलीस्ट आप उनको छोड़ के तो नहीं जाओगे, एटलीस्ट आप उनके साथ बने तो रहोगे। तो कहीं ना कहीं आपने जब उनको मूव ऑन किया तो उनका ईगो जरूर शटर हुआ एकदम, अब अहंकार को जबरदस्त झटका लगा होगा, इस वजह से भी चुप हो गए वो, सडन एकदम से चुप हो गए, मतलब उनको ऐसा लगा कि अरे मतलब मेरे अहंकार पर इतनी बड़ी चोट, ये कैसे हो गया। तो वो उसको झेल भी नहीं पाए, उस झटके को झेल नहीं पाए, राइट। तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बन गया था कि हालांकि दुख बहुत हो रहा था, हालांकि डिस्टर्ब बहुत है, पर अहंकार को इतना यह था कि मतलब गिर, वो कहते हैं रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, तो टूटी टांग से भी दिखावा बाहर से करेंगे कि मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, मैं तो दौड़ रहा हूँ, चल क्या रहा हूँ, मैं तो दौड़ रहा हूँ, तो इस तरीके से उन्हें दिखाने की कोशिश की। अंदर से इनका ईगो एकदम से शटर्ड हुआ होगा बहुत, और जब ईगो शटर होता है तो बहुत मतलब पेन होता है, तो वो पेन जो ईगो के अहंकार के टूटने का पेन था, इन्होंने इनको जरूर हुआ होगा। धरती जैसे वो जैसे कहते हैं ना, धरती क्या बोलते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उस तरह का इनको एक्सपीरियंस एक्चुअली हुआ होगा। मेरी तो पूरी लाइफ मतलब बना बनाया खेल इसके पर्सन के साथ, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना टाइम दिया, उनके हिसाब से वो सब कुछ खत्म हो गया, मतलब सब जीरो पे आ गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि उनको ये लग रहा हो कि आपने उनको छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स जो इतने सालों से उन्होंने बहुत अच्छे से छुपा कर रखे होते, वो अचानक से आपके सामने आ गए। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि अरे मेरे इतने अच्छे से वेल कैप्ड सीक्रेट्स इनके सामने आ गए, अगर ये सीक्रेट्स इसके सामने नहीं आते तो ये सब कुछ गड़बड़ झाला नहीं होता, मैं और समय इस रिलेशन को और खींच सकता था। कुछ ना कुछ उनके ऐसे सीक्रेट्स जो आपको पहले नहीं बताते आपके सामने आ गए अचानक से, राइट। और उनको लगा कि अब वो पुराने दिन वापस नहीं आ सकते क्योंकि जो जिस बेस पर ये रिलेशन बना था वो बेस ही झूठा था, जिस बेस पर ये मतलब जिस वजह से आप उनके साथ रह रहे थे, वो चीज़ें जो आपको लगता था कि चलो ये तो ठीक है, चलो मतलब आधी चीज़ें माफ़ी कर दूँ, चलो ये तो ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ें आपको लगता था कि ठीक है वो भी ठीक नहीं थी, ठीक है। तो आप जैसे कहीं सोते से जाग गए और ये बात आपके इस पर्सन को लगा कि अरे मतलब कहीं मेरी ऐसी गलती हो गई कि मैंने इस इंसान को मतलब इसके शक को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि ये अल्टीमेटली नींद से जाग गया, ये कैसे नींद से जाग गया। तो वो इस बात को लेकर भी अपने आप से काफ़ी गुस्सा है कि मतलब मेरे सीक्रेट्स इसको मैंने इसको पता कैसे चलने दिए, मेरी कमजोरियां इसको मैंने पता कैसे चलने दी, मेरी प्लानिंग में कहाँ कमी आ गई कि ये पर्सन ने मेरे को जान लिया या मेरी डिटेल्स को जान लिया या मेरे बारे में जान लिया, तो अब मैं इसको कैसे किसी भी तरीके से अब इसको अब रोक के नहीं रख सकता क्योंकि मेरे सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके हैं, मेरी सारी वीकनेसेस बाहर आ चुकी हैं, मेरा सारे बैड जो भी गेम्स हैं, बैड सीक्रेट्स हैं या बैड तरीके हैं, वो सब कुछ इसको पता चल चुका है। तो अब ऐसा कुछ नहीं था जिसके बेस पर आपको रोका जा सके, जिस पर आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो वो चीज़ इस पर्सन को समझ में आ गई कि अब किसी भी तरीके से आपको रोका नहीं जा सकता, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। अब तब फिर इसके बाद में इस व्यक्ति ने क्या प्लान किया है, इस व्यक्ति ने का ये हुआ है कि फिर इसने सोचा कि अब जो बचा है उसको बचा के रख लिया जाए। तो मे बी इनकी अपनी कोई फैमिली होगी, या तो आपके अलावा इनकी कोई फैमिली है, या
आप मतलब अगर आप इनकी वाइफ हो तो आप तो चले गए, बाकी की फैमिली को तो बचा लें, मे बी बच्चों को बचा के रख लें, मतलब कुछ ऐसा। अब आपके अलावा किसको बचा के रखा जा सकता है, कहाँ पर अपने आप को एक गुड इमेज में शो किया जा सकता है कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा भगवान राम जैसा हूँ मैं तो। तो जो लोग अभी भी उनके फेवर में हैं, जो लोग अभी भी मतलब उन पर भरोसा करते हैं, उन लोगों का भरोसा जीतने की इन्होंने कोशिश करी होगी। व्हाट हैपन टू देम आफ्टर यू लेफ्ट, आपके जाने के बाद आपका भरोसा तो टूट चुका, आपका भरोसा वो वापस हासिल नहीं कर सकते, तो उन लोगों का, उस फैमिली मेंबर्स का, उन लोगों का भरोसा हासिल करने की और वहां पे वापस जेल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इन्होंने आपकी वजह से मे बी इन्होंने डिस्टेंस बना ली हो पहले, अपनी उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो अपने खुद के बिखरे हुए घर को, इनका अगर इनका मैरिटल रिलेशन खराब हो गया था तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ कहीं इनका रिलेशन पहले आपकी वजह से खराब हो गया था, ठीक है, तो उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मैरिज को डेफिनेटली, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मामला था तो ये अपनी मैरिज को इस समय पर बिल्कुल से अच्छे से मतलब कोशिश कर रहे होंगे कि चलो ये तो बच गया मेरे हाथ में, तो अपनी वाइफ को फिर से ट्रस्ट में लेने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, खुद को सुधरा हुआ बताना, मैं भी सुधर भी गए हूँ ऐसा, मतलब सुधर तो क्या सकते हैं, लेकिन एक जेन्युइन प्रयास कि चलो एक बार फिर से नई शुरुआत की जाए अपनी फैमिली के साथ में, इस तरह का इनका रहा है कुछ। और जहाँ पे इन्होंने इतने समय तक ध्यान नहीं दिया होगा, मतलब जो भी मे बी वर्क प्लेस पर या करियर में डेवलपमेंट में जहाँ इन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया था इतने समय तक, वो वहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वाइफ के साथ या फैमिली में वापस से फ्रेंडली रिलेशंस या हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये अपने आप को या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्रू सोलमेट्स, वी आर ट्रू लव, वी आर द डिवाइन लव कनेक्शन, आपका हमारा डिवाइन लव है। या फिर ये आपको शो करने की कोशिश कर रहे होंगे कि इनका एक अच्छी फैमिली लाइफ है, आपके एब्सेंस में भी ये अपनी एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स को फॉलो कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, हारमोनियस चल रहा है, अलाइनमेंट में है सब कुछ। ये आपके बिना भी इनकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको प्यार करते हैं, आप ही एक अकेले नहीं हो, आप ही के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, आपके बिना भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास एक हैप्पी फैमिली है, फैमिली के साथ अच्छे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हॉलीडेज मना रहे हैं, सेरेमनीज अटेंड कर रहे हैं। और अगर ये अनमैरिड है तो मे बी इंगेजमेंट प्लान कर रहे होंगे, इंगेजमेंट कर ली होगी, वेडिंग प्लान कर रहे हैं, वेडिंग कर ली होगी, बच्चे नहीं थे तो बच्चे प्लान करेंगे, फैमिली बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस तरह का ये या तो ऑलरेडी या तो कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखा रहे होंगे कि ये सब मेरी लाइफ में हो रहा है, राइट। और उसके बाद में ये भवानी कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है हमारे पास में, ठीक है। इस वक्त वे फ्यूरियस हैं आपसे, डरे हुए तो जरूर से हैं कि भाई किसी भी तरीके इनको ये सब दिखाने में डर भी लग रहा होगा, या फिर इनको ये लग रहा होगा कि कहीं आपको पता ना चल जाए कि ये किस तरीके से वापस से अपनी फैमिली को और अपनी दूसरे रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय आपको सॉरी फील करने के या बजाय आपकी तरफ अप्रोच करने के, ये किस तरीके से आपके बिहाइंड द सीन मतलब बैक स्टैब कर रहे हैं आपको, ठीक है, दूसरे लोगों की वजह से, ये बात कहीं आपको पता ना चल जाए, इस बात से डरते हैं। और ये इस बात से भी डर रहे हैं कि इनकी फैमिली को कहीं आपके बारे में पता ना चल जाए, या आप इनकी फैमिली को अप्रोच करके इनके बारे में बता ना दो, इनका जो काला सच इन्होंने अपनी फैमिली से छुपा रखा था, क्योंकि इनके काले सच आपको तो पता चल गए, लेकिन इनके काले सच आपको लेकर जो इनकी फैमिली को नहीं पता है, अब ये इस बात से डर रहे हैं कि इनके काले सच आप इनकी फैमिली को अप्रोच ना कर दो, इस बात को लेकर फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि भगवान ये मेरी फैमिली को अप्रोच ना कर ले, ये मेरी फैमिली से दूर रहे, ये मेरी फैमिली को चीज़ें ना बता दे कहीं, ये मेरा बना बनाया खेल का कबाड़ा ना कर दे कहीं पे, क्योंकि इसके साथ तो मेरा खेल का कबाड़ा हो ही चुका है, अब जो बचा खुचा मेरा गेम बचा है वो उसका गेम का ये बजाना डाले कहीं, ये इस पर ये पर्सन इस बात से आपको लेकर काफ़ी चिंतित हैं और डर रहे हैं। ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके रिलेशन में गड़बड़ हुई ना, इसमें मतलब कि धोखा देने वाले आप हो, झूठ बोलने वाले आप हो, मतलब ये अपने आप को समझा रहे हैं क्योंकि गिल्ट से बचना चाहते हैं, है ना, और अपनी फैमिली के साथ में गिल्ट फ्री लाइफ बिताना चाहते हैं, तो ये अपने आप को ये समझा रहे हैं कि इन्होंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है या इन्होंने आपको झूठ नहीं बोला, इन्होंने आपको चीट नहीं किया, वो आप हो जिसने इनको झूठ बोला है, चीट किया है,
वो आप हो जिसने रिलेशन को ख़राब किया है। ये इस तरीके से अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालने की के लिए इस तरह के एक्सप्लेनेशंस खुद को दे रहे होंगे। एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हो या इस वक्त आप बहुत भड़के हुए हो, तो थोड़े समय के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। ऑटोमेटिकली जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी तो आप खुद ही उनके पास आ जाओगे। एट ऑफ वॉन्ट्स ट्रैवल न्यूज़ लेटर, ठीक है, रुक्मणी संदेश, खुद ही आपके आप इनके पास आ जाओगे, खुद ही बात करने लग जाओगे, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत लंबे समय तक रहेगा नहीं और आप थोड़े समय के लिए गुस्से में हैं, तो बेटर है कि ऐसे गुस्से में जब आप हो तब आपको अप्रोच करने की बजाय अपनी फैमिली में अपना ब्रेक ले लें, आपसे ब्रेक ले लें, अपनी फैमिली का जो मैटर है वो ठीक कर लें। मीनवाइल आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा तो आप फिर से इनके पास आ जाओगे, आप इनको अप्रोच कर लोगे, ठीक है। ऐसा भी ये प्लानिंग बना रहे हैं। और मीनवाइल ये यहाँ पर ये सब करते हुए ये आइडिया साथ साथ ये भी आइडिया लगाते जा रहे हैं कि अगली बार ये जब आपसे मिलेंगे या आप इनसे मिलो, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपका कॉन्टैक्ट होगा तो ये आपसे क्या बात करेंगे, उस समय किस तरीके से आपको अपनी बातों में फंसाना है, कैसे आपको मैसेज करना है, कैसे आपको क्या ऑफ़र देना है, कैसे वापस से चीज़ों को एक बार शुरू करना है, ठीक है, और कैसे मतलब इन ये सब चीज़ों की तब सफाइयाँ देंगे, क्योंकि अभी सफाई नहीं दे रहे लेकिन तब देंगे सफाई, और तब ये चाह रहे हैं कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तब सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपनी झूठ बोलने की पावर की वजह से, कुछ भी बहाना बना दूंगा कि ऐसा हो गया था, सडनली वहाँ जाना पड़ा, सडनली ऐसा हो गया, उस समय तुम बात सुनने को तैयार नहीं थी इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ऐसा बोल के ये टूटी हुई चीज़ को आपके साथ फिर से बिल्डअप कर लेंगे। ऐसा इनको पूरा भरोसा है कि कोई बात नहीं, अभी अगर ये नहीं मान रही है या नहीं बात कर रही है तो कोई बात नहीं, फॉर अ टाइम। और अच्छा है, पता है इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मुझे वैसे भी इस रिलेशन से ब्रेक चाहिए ही था, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब हो रही थी इसकी वजह से, तो इधर से ब्रेक लेके यहाँ ठीक कर लूँ, फिर यहाँ से ब्रेक लेके वहाँ ठीक कर लूँगा, और इस तरीके से मेरे दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, मेरी इधर की लाइफ भी सेट चलती रहेगी, मेरी इधर की लाइफ भी सेट चलती रहेगी। ओके, ये सब इनके माइंड में चल रहा है और ये सब इनकी लाइफ में चल रहा है अब जबकि आप मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब होता है ऐसा कोई भी इवेंट, यानी कि ऐसा कोई भी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं था, जो बच्चे के लिए बुरा एक्सपीरियंस है उसको हम कहते हैं एडवर्स चाइल्डहुड इफेक्ट, और इसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा कहा जाता है, इसी को इनर चाइल्ड वूंडिंग कहा जाता है। कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस जो उसके बचपन में हुए हो जिसकी वजह से वो डर गया हो बच्चा, है ना, कम या ज़्यादा डरा हो, डिपेंड उसी हिसाब से वूंडिंग भी उतनी ही गहरी होगी या हल्की होगी। बचपन में आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उनके बहुत लॉन्ग टर्म और लाइफ में बहुत समय तक उसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलते रहते हैं, इसलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और एज अ चाइल्ड आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, उन एक्सपीरियंसेस को रिलीव करना, उनको थॉरली एनालाइज करना, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई या आ सकती, उन सब चीज़ों को थॉरली चेक करना, हील करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाइल्डहुड में आपने जो कुछ झेला था या जो कुछ एक्सपीरियंस लिया था उसी बेस पे एडल्ट पर्सनैलिटी बनती है, हमारी एडल्ट पर्सनैलिटी बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास को हम आइडेंटिफाई करें और उनको प्रॉपरली हम एड्रेस करें। एक बच्चा जो किसी एडवर्स एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन में न्यूरॉन्स का पैटर्न बदल जाता है जब बच्चा किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से होकर गुजरता है। तो मतलब व्यवहार में तो वो चीज़ आएगी ही, फिजिकल में, हेल्थ में, पर्सनैलिटी में वो चीज़ आएगी, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी ब्रेन में हार्डवायर हो चुकी है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली सॉफ्टवेयर ऑफ द ब्रेन की थिंकिंग पैटर्न, इट इज़ अबाउट द हार्डवेयर ऑफ द ब्रेन जो बदल जाता है और जिसको फिर बाद में बदला ही नहीं जा सकता। मतलब कई सारे ट्रॉमा इवेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग बच्चे के साथ रहते हैं, कितना भी कोशिश कर लो वो ट्रॉमा उसकी लाइफ से बाहर नहीं आ सकता, जब तक कि कोई मेजर थेरेपीज उसके साथ ना अपनाई जाए तब तक बच्चा उन ट्रॉमेटिक इवेंट के जो आफ्टर इफेक्ट्स उनसे वो बच्चा नहीं बच सकता है। ये अपनी बात को खुल के कह नहीं पाते, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम होती है इनके अंदर, ये अपने ही लोगों को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, ये अपने ही पार्टनर को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, जो इनका भलाई कर रहे हैं ये उन्हीं को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, और हाई रिस्क बिहेवियर ये ज़्यादा करते हैं। हाई रिस्क बिहेवियर समझते हैं आप, जैसे गाड़ी चलाएंगे तो मतलब हेलमेट नहीं लगाएंगे,
स्पीड ओवर स्पीड से गाड़ी भगाएंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, रॉन्ग तरीके से गाड़ी चलाएंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हेडलाइट ऑन की बिना गाड़ी चला रहे हैं, मतलब अपने लाइफ को खुद ही अलग अलग तरीके से थ्रेट में डालेंगे, अपने आप को रिस्क में डालेंगे। या फिर जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर इनको पता होगा कि ये पर्सन अच्छा नहीं, फिर भी उसके साथ रिलेशन में जाएंगे, और जब ये खुद पेरेंट्स बन जाते हैं तो ये खुद एक अच्छा पेरेंट नहीं बन पाते, जब ये खुद पेरेंट बन जाते हैं तो ये खुद अब्यूसिव होते हैं, ये खुद नेग्लेक्ट करते हैं, इनको खुद अपने बच्चों के साथ बिहेव करना नहीं आता, ये अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, ये अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाते, ये अपने बच्चों को सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ये अपने बच्चों को सही ढंग से गाइड नहीं कर पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जब पेरेंट बनते हैं ऐसे बच्चे तो ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ आती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सपोर्ट के लिए जाइए, थेरेपी के लिए जाइए, जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, थेरेपिस्ट, इनके पास जाइए, या कोई फ्रेंड कुलीग, वैसे फ्रेंड कुलीग इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, आपको किसी सपोर्ट ग्रुप के लिए या किसी थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए कि हाँ मेरे साथ ये हो चुका है, ये घटना घटी है, इसमें मेरी मदद करें, तो आपका इनर चाइल्ड हेल्दी हो जाएगा, ट्रॉमेटिक जो घटनाएं घटी थी उनका इफेक्ट कम हो जाएगा और आप एक हेल्दी एडल्ट लाइफ को आप जी सकोगे। थैंक यू। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, बन के सितारे।